तो लीजिए, हम घर पे ही बनाते हैं ठंडाई प्रीमिक्स, झट से बन जाने वाला। इस बार होली पर ये ठंडाई प्रीमिक्स बनाकर अपने मेहमानों को खुश कीजिए। गर्मी में के मौसम में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है ये ठंडी, सुकून देने वाली होती है और ठंडक देने वाली होती है, तो ये हम बनाएंगे ठंडाई। चलते हैं रसोई की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होली स्पेशल ठंडाई। ठंडाई सभी को बहुत पसंद आती है और होली पर ज़्यादातर ये सभी के घर में बनती है। आज मैं भी आपको एक ठंडाई रेसिपी लेकर आई हूँ, इंस्टेंट ठंडाई, बहुत जल्दी बन जाती है। पहले जो होता था, पहले ज़माने में जो हम ठंडाई बनाते थे वो सिलबट्टे पर घिस कर बनाते थे और उसमें थोड़ा बहुत दूध होता था, बाकी मतलब आधा दूध आधा पानी के हिसाब से बनती थी। तो आज भी हम उसी तरह से बनाएंगे, बस फ़र्क ये है कि हम सिलबट्टे पर नहीं पीसेंगे, इसको मिक्सी में पीस के बनाएंगे। और इंस्टेंट जो इसका नाम है, इसीलिए इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। झट से बनाइए, और जैसे कि परसों होली है तो आप सर्व कीजिए अपने मेहमानों के लिए। तो यहाँ पर हम ठंडाई बनाएंगे गुलाब की पत्तियों के साथ और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो आज मैं आपके लिए जो ठंडाई लेकर आई हूँ उसमें क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ हैं सूखी हुई, तो गुलाब मैंने 10-12 गुलाब लिए थे और उनको सुखा के पत्तियाँ कर ली। आप ये मार्केट में मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये खरबूजे के बीज, ये मैंने लिया है 2-2 चम्मच, मैंने सब चीज़ में से ली है। अगर आपके पास कम ज़्यादा जैसे हैं तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। सौंफ मैंने 3 चम्मच ली है, क्योंकि जो ठंडाई होती है उसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये सौंफ गर्मियों में बहुत ठंडी होती है, इसलिए मैंने सौंफ थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालें। यहाँ पर मैंने 15-20 बादाम, काजू वही 2-2 चम्मच के हिसाब से मैंने लिया है। और यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच काली मिर्ची। तो काली मिर्ची थोड़ा सा तीखा, जो हमारी जो ठंडाई है इसमें कुछ ठंडा कुछ मीठा कुछ तीखा इस तरह की होती है, तो थोड़ा सा तीखा लाने के लिए हमने यहाँ पर काली मिर्च के लिए यानी कि ब्लैक पेपर। और हमें यहाँ पर थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी सीफ्रॉन की, तो ये है हमारे पास केसर थोड़ा। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप केसर की जगह थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, या आप फूड कलर येलो कलर होता है वो थोड़ा सा 1-2 बूंद डाल दें, उससे भी बहुत अच्छी हमारी जो बनेगी। तो सबसे पहले हम अपना जो पैन है इसे हम गर्म कर लेते हैं। तो जब तक हमारा पैन गर्म होता है, यहाँ पर मैं इलायची भूल गई थी, तो इलायची हमने ली है यहाँ पर 10-12 इलायची, हमने हरी वाली इलायची ली है। और हम लेंगे दालचीनी का पाउडर, तो यहाँ पर हमने ये जो दालचीनी का पाउडर जो लेना है, ये थोड़ा सा दरदरा पाउडर है, तो ये भी मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ। तो दालचीनी का पाउडर आप चाहें तो साबुत दालचीनी को पीस लें या इसी के साथ मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये सब सामान हमारे को लगेगा। और हाँ, ये फूड कलर जो आता है ना, तो ये मेरे पास ऑरेंज वाला है, इसी तरह में येलो कलर आता है आप वो ले, सूखा कलर लेना है, नहीं तो लिक्विड आजकल मार्केट में काफ़ी मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। तो हमारा पैन भी गर्म हो चुका है, तो हमारे यहाँ पर ये पैन गर्म हो चुका है और हम गैस में डाल देते हैं ये बादाम, काजू और मगज, मतलब सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे पीसने के लिए। बस बचा लेंगे एक केसर, सौंफ भी डाल दी हमने, और यहाँ पर हम डाल देंगे दालचीनी, तो छोटी सी चम्मच मेरे पास है, यानी कि कम से कम 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा इसमें आप डाल दें। और डालेंगे हम पत्ती, तो पत्ती हम काफ़ी सारी गुलाब की पत्तियाँ डाल देंगे, ये गुलाब भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आप चाहें तो इसमें से थोड़ा बहुत निकाल भी सकते हैं। तो जैसे मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, तो और इसको अच्छे से इसको हिलाते हुए हम हाथ से भी मिला लेंगे या फिर हम चम्मच का भी सहायता ले सकते हैं इसको हिलाने के लिए। हल्का सा रोस्ट करना है हमें, ये ज़्यादा भूनना नहीं है, बस यही है कि जो बादाम काजू और सौंफ में हल्की सी जो सीलन होती है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। बस गैस कर देंगे बंद, और हमारा ये पैन गर्म है तो गर्म के ऊपर ही हमारा ये भुन जाएगा। अच्छे से हमने भूनना नहीं है, सिर्फ इसकी जो ये इसके अंदर मॉइस्चर होता है थोड़ा सा वो उड़ने तक हम इसको करेंगे। तो हमने गैस कर दी है बंद, सिर्फ पैन ही है इसको हिलाते हुए, अब हम इसे कर लेंगे ठंडा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये इनको ठंडा करने के लिए इस प्लेट में डाल दिया, और ये ठंडे हो चुके हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम एक जार लेंगे
और हम जार में डाल देंगे इनको। और इन्हें हम पीस लेंगे, तो यहाँ पर मैं दो बार में इनको पीस लूँगी। तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से पीस चिका। आप चाहें तो यहाँ पर दरदरा भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक किया है इसे। तो एक तो ऑप्शन ये है, हम इस तरह से बना सकते हैं। तो अब इसे मैं निकाल देती हूँ इसके अंदर। तो दूसरा ये है कि जैसे हमने ये आधा जो बचा लिया था वो इसमें हम डाल दिया। तो आधे में क्या करेंगे, हमने दो तरह का जो हम ये बनाएंगे ठंडाई, इसके लिए हमने आधे में इसको मिक्स इस तरह से पीस लिया है और आधे को हमने इस तरह से इसमें डाल देंगे और उसमें डालेंगे चीनी। तो जो हम इंस्टेंट बनाएंगे ना वो इस तरह से बनाएंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे केसर की पत्तियाँ। तो केसर के कुछ पत्ते हम इसमें डाल देंगे कलर के लिए। तो हमने उसमें केसर नहीं डाला था, तो आप उसमें केसर डाल लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने ये पीसा था ना दोबारा, इसे भी हम इसमें निकाल लेंगे अपना। तो ये हमारा हो गया प्रीमिक्स बना है, ठंडाई प्रीमिक्स। ये हमारा इंस्टेंट प्रीमिक्स बन गया, सिर्फ इसको डालना, घोलना और पीना है। और ये हमारा बन गया, इसको भी मैं बताती हूँ और इसे ही बताती हूँ किस तरह से हमने इसको यूज करना है। तो हमने क्या करना है, एक गिलास लेना है, इसमें हम डालेंगे अपना प्रीमिक्स। तो प्रीमिक्स डालने से पहले हम डाल लेते हैं इसमें आइस, आइस क्यूब लेंगे। तो जितना आप चाहें आइस डाल लें इसके अंदर। और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच प्रीमिक्स। तो यहाँ मैं डालूँगी 2 से 2.5 चम्मच प्रीमिक्स डाल देती हूँ। और इसके अंदर हम डाल देंगे दूध, दूध भी डाल दिया हमने। और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो हमारा एक तो इस तरह से हो गया, आप चाहें तो इसमें आई क्यूब्स और डाल दें। ये हमारा ठंडाई प्रीमिक्स हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास रखी है यहाँ पर ये खसखस। तो खसखस मैंने पहले से ही पीस के रख ली थी, आप चाहें तो जो हमने प्रीमिक्स बनाया इसमें डाल सकते हैं खसखस। और पिस्ते मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। अगर आपके पास पिस्ते हैं तो पिस्ते और खसखस ज़रूर डालें, खसखस बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे कुछ खसखस, इतनी सी, ये भी हम इसमें मिला देंगे। ये हमारा एक गिलास तैयार है ठंडाई। तो यहाँ पर जो हमने प्रीमिक्स बनाया है इसके अंदर हम खसखस डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच खसखस डाल दिया हमारे जो चीनी वाला प्रीमिक्स है इसमें। और 1 चम्मच मतलब मैंने हाफ हाफ टी स्पून ली है ये, तो हाफ इसमें डाल देंगे, हाफ इसमें डाल दिया। और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। तो आप इसको जिस टाइम आप पीसें उस टाइम आप खसखस डाल दें, लेकिन मेरे पास पिसी हुई रखी थी इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला, इसे हम बाद में डाल देते हैं। एक प्रीमिक्स हमारा तैयार है। और ये है, इसे मैं किस तरह से बनाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमने ले लिया है एक जार, इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अपना प्रीमिक्स और डाल देंगे दूध और इसमें डाल देंगे आइस। और इसके अंदर हम डाल देंगे, ये हमने दूध में भिगो के केसर रखा हुआ था, तो 1 चम्मच हम इसके अंदर ये केसर वाला दूध भी डाल देंगे। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी, आप चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाली है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये तैयार हो चुका है। और इसको भी हम इस तरह से, तैयार होगी हमारी ठंडाई। तो इसमें हम डाल देंगे कुछ केसर की
पत्तियां, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें प्रीमिक्स, तो लीजिए हमारी ये जो ठंडी ठंडी ठंडाई तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी जो ठंडाई है कितनी अच्छी बनके तैयार हो चुकी है, और हमने इसमें काफ़ी सारे गुलाब डाले हैं तो इसे गुलाब ठंडाई भी बोल सकते हैं। तो हमारी ये ठंडाई तैयार है और आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिए इस होली पर। बहुत ही ज़्यादा हमारी ये ठंडाई हम गर्मियों में भी पी सकते हैं, होली पर तो इसका नाम है ही ठंडाई मस्त वाली। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो ज़रूर ट्राई करें। अब छोड़ दीजिए घोटना पीसना और बनाइए इंस्टेंट ठंडाई प्रीमिक्स। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये लीजिए ठंडाई प्रीमिक्स के साथ हमारी ठंडाई तैयार है। तो एंजॉय कीजिए इस होली पर, आप ज़रूर बनाएं घर में ही ठंडाई।